सो व्हाट इज अप ब्यूटीफुल पीपल, कसा काय म्हणत आहे, कसा आहे पब्लिक, मजे में ना। सो नया दिन है, नया ब्लॉग है और आज का ब्लॉग बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर बैठे बैठे कर भी कह सकते हैं यार, बहुत दिन हुआ बाहर भी बहुत ब्लॉग मैं बना नहीं रहा था, तो घर पे मैं क्या बनाऊँ। तो ये सोचते सोचते मेरे को एक आइडिया आया, मतलब मैंने इसके वीडियोज़ भी देखे थे पहले, तो सोचा मैं खुद मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ। सो मैंने मेरे भाई को बाहर भेजा था कि तू तीन जगह से तीन डोसे लेके आ, वो भी एक महंगा, एक मिडिल वाला और एक सस्ता वाला, लोकल वाला, ठीक है। तो मेरा भाई गया और लेके आया और अभी उसने प्लेट सजा के रखा है अंदर, और अभी मैं टेस्ट करके मुझे बताना है कि महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है और मिडिल वाला कौन सा है। सो ब्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए चलते अंदर और डोसा दबाते और ट्राई भी करते कि कहाँ का कौन सा है, ठीक है। चले चले, तो भाई वहाँ पे प्लेट्स लगा रहा है तो अपन देखते हैं। लग के तैयार है ना अभी, मस्त एकदम तैयार है। देखो यार बहुत अवघड़, मतलब बहुत ही खतरनाक परिस्थिति हो गई है इधर, मरने जीने की परिस्थिति हो गई है। मतलब मेरे को भी देख के समझ भी नहीं आ रहा है ये तीन डोसा है, तीन डोसा कौन सा कहाँ पे। तो अभी कैमरा सेट करते और टेस्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे तीन डोसा है अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट से है, तो अभी इसमें से कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है पहचानना तो बहुत मुश्किल है सच्ची बताओ तो मैं तीन चीज़ों पे इसको डिसाइड करूँगा कि कौन सा कैसा रहेगा। एक लुक पे, एक टेस्ट पे और एक सांभर, मतलब इस पे भी जाएगा, मतलब डोसे पे तो नहीं बस इस पे भी जाएगा, मतलब सांभर चटनी पे भी, उसको भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कहाँ का कैसा है। तो ये तीन चीज़ों में मैं जज करूँगा। सो सबसे पहले ये वाला डोसा, इधर पास में थोड़ा सा बस ये वाला डोसा देखते हैं अपन। तो सबसे मतलब दिखने में तो ये बहुत ऐसा मुरझा हुआ लग रहा है डोसा का अभी पूरा तो देखो, तो देखते हैं कैसा है ये डोसा। थोड़ा सा सबसे पहले इसका सांभर टेस्ट करते हैं। अच्छा है सांभर तो, अच्छा खट्टा खट्टा है, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं, इतना भी बुरा नहीं। इसको साइड में रखते हैं, इनका भी सांभर टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सांभर पे ही जाते हैं, दूसरा बाद में टेस्ट करते हैं। तो ये सेकंड, ये देखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, मतलब अच्छा सा, मतलब चटनी भी एकदम उसकी अच्छा कलर है, सांभर का भी एक परफेक्ट कलर है और डोसा भी एकदम अच्छे से एकदम सब साइड से मस्त है। तो इसका भी देखते हैं, कलर ज़्यादा खट्टा है इससे, और चटनी चटनी इसकी बेटर है, बहुत बेटर है इससे। और ये नेक्स्ट लास्ट, सबको अलग चम्मच दिया है पर मैं सोचा एक ही चम्मच से खाओ तो कौन। इसका इतना खास नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों बेटर है इससे दो। और ये चटनी ठीक है, मतलब अभी से ये देख के तुमको लग रहा है कि शायद ये वाला हो सकता है कि लोकल रेस्टोरेंट हो किसे, ये दोनों में हो सकता है कि कौन सा महंगा हो कौन सा सस्ता हो, ठीक है। तो इस टाइम को टेस्ट, सबसे पहले डोसा, डोसा पूरा मुरझा गया, मेरे को उसका क्रंच पसंद है पर पूरा मुरझा गया है। आलू और चटनी को थोड़ा डीप करके डोसा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको भी बोल नहीं सकते। वैसे मेरे को डोसा बहुत पसंद है, मतलब पहले से ही ज़िंदगी में डोसा और दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आगे पढ़ ले। तो ये टेस्ट कर लिया, अभी से इसको टेस्ट करके इसको जज नहीं कर सकते, बाकी के भी खाने पड़ेंगे। तो ये बहुत मेरे को पता नहीं, इससे मेरे को एक अलग ही फीलिंग आ रही है वाले से। अरे भाई रे भाई, इसके देखो मतलब बहुत सही है, इसका देखो कैसा पलड़ा हो गया है इसका बहुत सॉर्टेड है ये वाला चीज़। तो ये वाला देखते कैसा है, यार नरम हो गया यार डोसा, नरम डोसा नरम नहीं चाहिए।
भाई फाड़ू है भाई, चटनी तो इसकी इतनी फाड़ू है ना, मज़ेदार। भले जिंदगी में बहुत लोड है पर बेटा ये डोसा तोड़े डायरेक्ट। अब ये लास्ट डोसा, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, अब ये लास्ट। इसका हमको सांभर तो पसंद नहीं आया। भाई अमन भाई, ये 100% ये लोकल का है, सही है क्या? नहीं सही 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 टक्का ये, मतलब उसको टेस्ट में, मतलब टेक्सचर में ही इसका इतना बेकार है ना, मतलब मैं जिंदगी में इससे घटिया डोसा नहीं खाया, सच्ची बोलूँ इससे घटिया डोसा नहीं खाया। अभी दोनों में देखा जाए पर इसका थोड़ा सा डोसा ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा टेक्सचर वाइज, बट टेस्ट वाइज और चटनी सांबर मैं बोलूँ ना भाई, ये लग रहा है कि ये सबसे महंगा होगा और ये मिडल वाला होगा, तो क्या बोलते हो बताऊँ तो, ये सबसे महंगा होगा, ये मिडल वाला होगा। ये जो मिडल वाला है वो हल्दीराम से आया हुआ है। ओ ये मतलब ये उसको हल्दीराम की बात ही, मतलब सबसे महंगा, मतलब चंद्रपुर में सबसे महंगा यही हो सकता है, और कौन सा हो सकता है चंद्रपुर में, चंद्रपुर में यही महंगा हो सकता है। ये स्वाद या रसराज का होगा है तो ये ना? स्वाद क्या फीका है, सही है। और ये ये वो ठेले पे मिल रहा था तो उठा के लेके आया। सही है सही है, मेरे को लगा इस, मतलब वो टेस्ट में समझ में आता कौन सा है, तो भाई ये वो तोड़ है, ये मैं खा रहा हूँ, बाकी सब तुम ये खा लो। इस प्रकार से मैं ये चैलेंज जीतता हुआ, मतलब बहुत सही चैलेंज था, सस्ते में मस्त और एकदम घर बैठे। एक्चुअली मेरी बहन भी आ रही है, उसको पूछते, तो चलो उसको पूछते अभी कैसा है। इधर आओ तुम, जल्दी इधर आओ, तुम्हारा काम इधर आओ। बड़े वगैरह ब्लड कैंसर है बोला। नहीं नहीं तू थोड़ा टेस्ट करून सांग, यातला सगळ्यात महाग कोणता है, सस्ता कोणता है आणि मधला कोणता है। बघू आलं तर याला आलं, ब्लॉग मध्ये नाही असंच करताय, तू पण येत आहे येऊ दे, चेंज ब्लॉग मध्ये आलं तर हो ब्लॉग मध्ये येते 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 येऊ दे। कि मैंने सब सही बताया, अमन ने लेके आया था। माझे कपडे प्रेस करायला टाकले रे त्यामुळे सांबार पण वेगवेगळे असणार। हां सगळ्यांचं वेगवेगळं सांबार आहे, वेगळं वेगळं सगळ्यांचं वेगवेगळं आहे। सबसे महंगा क्या? अरे बापरे, नंतर बीच में, अरे बापरे परफेक्ट परफेक्ट, अरे बाप परफेक्ट परफेक्शन। टेस्ट पे सब पता चल रहा है ना कैसा कैसा है, टेस्ट पे सब पता चल रहा है। पापा को नहीं पूछा? पापा को नहीं पूछा? पापा ड्यूटी से आए, बिजी रहते खाने में, खाने दो उनको। मैंने भी खाया और मेरी बहन भी बाहर से आ रही थी, तो अभी उसको बुलाया कि भाई खा के देखे एक बार, और मतलब पहचानना बहुत इजी था, मतलब सब टेस्ट में समझ में, डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि कौन सा है, और सही में बहुत ख़तरनाक था दिखने में, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ देखते टाइम तो कैसा कैसा होगा, पर टेस्ट में हल्दीराम ही बाप निकला भाई, टेस्ट हल्दीराम बेस्ट। तो ऐसा था, और बाद में थोड़ा एक स्वाद कैफे करके है हमारा, तो वहाँ से था। सो सबके प्राइस मैक्स 130 का होगा हल्दीराम का, और उसका स्वाद कैफे वाले का शायद 75, और दूसरा वो लोकल था 40-50 का होगा। तो तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और एक सीक्रेट बात है कि तुम्हारा भाई 1K के पास में, तो सब्सक्राइब ठोक दे और शेयर ज़रूर मार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।